बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालों मेरे देखने वाले सारे भैन भरावां नूं अस्सलाम अलैकुम। मेरी दुआ अल्लाह ताला तुहानूं खुश रखे, आबाद रखे, तुहाडे सारे दुख तकलीफां नूं दूर करे, सदा हसते रहो ते मुस्कुराते रहो। इस दुआ दे नाल अज दी वीडियो शुरू करदे आं। वीडियो शुरू करने तो पहले साडी इक रिक्वेस्ट आ, अगर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां सबसक्राइब कर लो, बैल दे बटन नूं जरूर दबायो तां कि साडी हर आने वाली वीडियो दा नोटिफिकेशन तुहानूं बर वक्त मिलदा रहे। ते अज दी वीडियो शुरू करदे आं जी। शाम हो गई आ, अंधेरा हो गया वा, घर दा सारा काम खत्म कर लिया वा, बच्चे नूं खाना बना के दिता वा, उस तो बाद बर्तन शर्तन धो के रख के आई हाँ, मुँह धो के आई हाँ। तो बच्चों नींद नहीं आ रही थी, बच्चे जो भी मैं आई उदों की जिद कर रहे, उदों का ही मैं कह रहा कि मम्मा जी जी सारी चीज़ा लैके आए हो ना सानू वो दिखाओ। तो बच्चे जिद कर रहे थे मम्मा जी सानू जल्दी दिखाओ। मैं कहा बेटा जी हूँ काम कर लें तो हूँ टाइम कोई नहीं है, तो रात में मैं थोड़ी मैं थोड़ी चीज़ा दिखा दूंगी, तो अपनी अपनी चीज़ा लै लियो। तो हजे मैं बिस्तरे कर लगी सी, बच्चे ने बिस्तरे नहीं मैंने करन दिते, कहते मम्मा जी पहले सानू चीज़ा दिखाओ। अच्छा जी, हिबा की शॉपिंग और मोइज की शॉपिंग दोनों नू ही दिखाती हूँ। अच्छा जी, पहले बैग कितों शुरू करिए? पहले बैग, बैग तो शुरू करिए। नहीं पहले मैं कहनी हूँ भी यूनिफॉर्म दिखाइए, जूती जूता भी दिखानी है ना। अच्छा जी, यह है हिबा बेटी की यूनिफॉर्म, वाइट शलवार और ब्लू फ्रॉक बनानी है। आ देखो बेटा, सुबह मैं शीलन करूँगी, फिर थोड़ा यूनिफॉर्म जो है ना सिलाई करूँगी, जिस तरह सिलाई होया वा बै कॉलर लगा के और पट्टी लगा के, कफ बिल्कुल ही नहीं लगाऊंगी ताकि हिबा बेटी को बंद नहीं होंगे तो खुल जाते, बड़ा तंग करते कफ, जो सू कफ नहीं लगाने। हिबा बेटी की एक यूनिफॉर्म ली है, तो मोइस बेटे दिया दो लिया वा, तो लेकिन हिबा की एक होर लैके आऊंगी ताकि सर्दी आ रही है। देखो ए मोइस के दो यूनिफॉर्म, हिबा की भी मैं रेडीमेड देखी है सी, लेकिन वो सिली हुई नहीं सी सोनी, बिल्कुल नहीं अच्छी सिली सी। तो आप इस मेरा भी कह लगे तुम ना रहन दो, खुद ही भाभी सिलाई कर लिया। मैं चलो ठीक है, मैं खुद ही सिलाई करूँगी सोनी बड़ी करके। तो मैं फिर हिबा दिया, तो यह मोइस दिया फिर मैं दो लै लिया सी। मैं कहा सर्दी आती पी है तो कभी धो होंगी है कभी नहीं धो होंगी, तो मोइस फिर गंदी बहुत ज़्यादा करता। एक 26 नंबर है छोटी पैंट है, एक 28 नंबर है, तो यह पूरी आ जानी है थोड़ी जी बड़ी होनी है। चलो हिबा जी बिल्कुल नहीं सोहनी सी, तो इसलिए पैंट जी है ना मैं नहीं ली। ए बेटा थोड़े कपड़े हो गए, थोड़ा यूनिफॉर्म, ए थोड़ा पट्टा, देखो आप पकड़ो शापर। उस तो बाद जी आ जाती है एक सूट मैं लिया सी, गैस करो तो कहदे वास्ते लिया सी है? ये मैं लिया आया सूट जी अपनी बेटियां वास्ते, हमना और हिबा वास्ते, रेड मैनु पसंद सीगा, अपनी भी कहते फ्रैश पीस सीगा। तो सर्दी आ रही है, मैं क्या चलो गर्म जड़ा है ना कपड़ा सर्दियों सही लगता वा, गर्म रहता वा। लीलन का मैं इसलिए नहीं लिया ताकि हिबा बेटी जी लीलन है ना मूँह च पा के ना इस तरह ना ढक लगा देंदी है, टुक देंदी है, तो फिर वह उतों ही सुराख हो जाता, तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बड़ा हो जाता फिर सुराख नहीं, फिर वह किसी कार आमद नहीं आता, अच्छे भी नहीं लगते फिर पहने। तो ये फिर मैं दोनों के इन्होंने लाए थे फ्राक बनाऊंगी हिबा और हमना दियाँ, इन्हों इस तरह की ग्रीन लैस लगाऊगी, तो दोनों भैन दिन मैं फ्राक सिलाई करूँगी। आलो खड़ो ए छापर, उस तो बाद छापर च पा लो ना, छापर का की देखना बेटा। उस तो बाद मोइस बेटे की चप्पल, ए मोइस बेटे वास्ते चप्पल ले सी, देखो बड़ी प्यारी चप्पल है, मोइस ने जी पहली है सी ना चप्पल वो घर पाली हुई है, तो फिर आन जाने कोई चप्पल नहीं है सी, मैनू फिर सोहनी लगी मैं चप्पल लै ली। तो शूज तो अगे होके लवेंगे ताकि हजे गर्मी है, देखो तो पसंद है सानू, नीचे खड़े होकर पहन के दिखाओ। सर्दी आ गई है जिस रंग के, तो मैं मशीन लैके आया ना, टसू सी थोड़ा जहा वो लैके आया, तो उन्हें शूज पाए सी जराबा पाई हुई। अच्छा, दिखाओ तो मोइस बेटे दे चप्पल देखने वाले बहना भाई ने भी प्यारी लग रही है मोइस ना पहन के, मोइस के पैर च ना बहुत प्यारी लग रही चप्पल। अच्छा तुसी दसो मोइज़ वास्ते ते लिया दी ते हमना ते हिबा दी? हां
हम नाइबा वास्ते मैं देखी सी पूछ लियो बेशक दी तुसी आप ही नु काफी ऐसी दुकाना ना फिरिया वा कोई ना अच्छी चप्पल नहीं मिली। मैं कैसी चलो घर पाण वास्ते ही ले लेनी आ ते कोई अच्छी चप्पल नहीं सी है ते मैं फिर इस करके नहीं ली। ते हिबा और हम ना वास्ते भी चप्पल लेनिया है सी लेकिन काफी दुकाना ना सी देखिया फिरिया सानू कोई अच्छी चप्पल नहीं मिली। ताकि जेड़ा गर्मियों वाला माल है ना चप्पल ये खत्म हो गई हुई वा तो हम न्यू माल अजे लैके नहीं आए दुकान वाले भाई तो वो हम एक दो दिन तक कह रहे से आप ही लैके आने तो लैके उन्होंने हम शूज ही आने तो फिर मैं क्या चलो भाई इतो जाके अड्डे तो पता कर लूंगी शायद इतों की चप्पल अच्छी मिल जाए। उदों हमारा बेटी जी ने इतों चप्पल ले सी बड़ी प्यारी मिली सी तो इसलिए फिर मैं नहीं कोई अच्छी लगी तो आप ही नहीं कोई पसंद आई इसलिए नहीं ली होर मैं हमना वास्ते भी लैनी है सी हिबा वास्ते भी लैनी सी दोनों वास्ते चप्पल लैनिया सी लेकिन इस करके नहीं ली है तुम मैं गुस्से होने लग गए बेटिया मोइज वास्ते तो रह नहीं देनी सी कड़ा पौंदा तो फिर चप्पल पाया करो ना देखने वाले भैन भाई भी लिखते हैं कि मोइज बेटा जरा है ना चप्पल नहीं पाता। अच्छा जी ए तो मैं कूड़ा अपने पहले एक जिप तोड़ ली सी उस दिन मैं बाजार गई तो इन मैं पवा के लिया दी थी ए जड़ी सी 50 रुपए की उस दिन यह जिप पई तो फिर इन्हें यह जी जिप यह निकाल ली तो अज फिर मैं बैग लिया के गई सी अज फिर मैं 50 रुपए की पवा के लैके आई हाँ हूँ जो तुम जिप तोड़ी ना तो फिर देख लियो ठीक है ना फिर छापर बुखा पा के घर जो झोला नहीं हूँ लैके जाऊगा जो अस छोटे होंगे झोले लैके जाते होंगे सी फिर मैं थोड़ा चॉकलेट दोनों मोइज बेटे ने अपना टिफिन जो है वह भी तोड़ लिया पता नहीं हम कह रहा मम्मा जी कोई बच्चा ना मेरे बैग उपर चढ़िया मेरा टिफिन टुट गया देखो ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਪਲਾਸਟਰ ਦੇ ਆ 400-400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹਿਬਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੋਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਈਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਟਿਫਨ ਹਿਬਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਜੇ ਸਾਬਤ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਹਿਬਾ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿਬਾ ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਕਰੇਗੀ ਹਿਬਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਨੇ ज्यादा प्यार लग रहा ਮੋਈਜ਼ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚਾਕਲੇਟ ਕਲਰ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਵਾ चलो बच्चे खुश ते सारे खुश।
हां जी ये हम ना वास्ते टिफिन ले आना थी और रोटी लेके नहीं आ गई हम ना टिफिन रोटी लेके जांदी है लेकिन उधर है ओके सही मंगवा देंगे हम उधर मम्मा हमला बेटी नु यूनिफॉर्म भी उधर मम्मा जी आज करी लेके जा लगते थोड़ा को फटता ही लेके जा लगने जुत्ती अपनी पता नहीं चप्पल कितनी दफा देखनी इस तरह की मम्मा भी ना हो बेटा जो मैं चली गई ना फिर तू पता चलना भी मम्मा मम्मा ही होंगी है ठीक है ना ते मोइज दे बैग च मैं इसलिए शैम्पू और ए चीजा पाईया सी एक दफा फुफो जी गए बाजार ते फुफो जी ने ना लिया हेल्डर शोल्डर शैम्पू 500 दा शैम्पू लिया ते शापर चो ना किते गिर गया ते फुफो जी दा ना सवाल पता नहीं किते शैम्पू गिर गया 500 रुपया जाया गया इसलिए हुन फुफो जी ने भी ना झोले कपड़े दे सिलाई किते हुए जदों बाजार जाना होवे ना कोई झोले लै जाइए ओहदे विच सारी शॉपिंग करके इकट्ठी करके पा ली दी मैं मोइज दा बैग लै गई सी ते मैं मोइज दे बैग च पा लिया सी चीजां अच्छा जी ए साडी छोटी जी शॉपिंग सीगी ते नन्ने मुन्ने भी खुश हो गए आ ते अगर मेरे भैणां भरावां नूं साडी वीडियो अच्छी लगे ते इहनूं लाइक करियो नाले शेयर करियो इस दे नाल सानूं इजाजत दो फिर मिलांगे एक नई वीडियो दे नाल अल्लाह हाफिज़।